हेलो बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप सभी लोग तो आज का जो है यह वीडियो जो है मॉडल पेपर फर्स्ट आप सभी के लिए है ठीक है क्लास ट्वेल्थ सामान्य हिंदी के जितने भी बच्चे हैं सभी लोग ध्यान से देखेंगे आप लोगों की मांग है कि प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर दीजिए तो ये पहला मॉडल पेपर है ठीक है और ऐसे ही मैं क्लास टेंथ और साहित्यिक हिंदी के बच्चों को भी मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगी तो इसके लिए एक एक करके सभी का मॉडल पेपर हल सहित दिया जाएगा जैसा कि मैंने कहा था तो मैं उसको पूरा करने जा रही हूं मॉडल पेपर फर्स्ट को ध्यान से पढ़िएगा ठीक है ऐसे ही मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी दूंगी और बैक पेपर भी यानी कि 2022 और 2020 18 सभी सन के पेपर भी आपको प्रोवाइड करूँगी तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब क्योंकि आपको इस पे हिंदी की संपूर्ण तैयारी मिलेगी ठीक है, चलिए करते है, वीडियो को। आपको जो है तीन सभी प्रश्नों के उत्तर देना है आपको और निर्धारित अंक जितने भी हैं वो सामने में दिए गए हैं आप वहां पर देख सकते हैं कि आपको कितने, कौन से प्रश्न करने पर कितने नंबर मिल रहे हैं ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है तो महादेवी वर्मा की ठीक है और नासिकेतो फाख्यान के रचयिता हैं सदल मिश्र ठीक है यहाँ पर आप देख रहे हैं सदल मिश्र यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है आप देख सकते हैं आगे तीसरा जो होता है सभी के लिए एक एक नंबर आपको मिलेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए तपोभूमि रचना किस विधा की है तपोभूमि रचना उपन्यास विधा की है यहाँ पर आपको आंसर भी दिया गया है ठीक है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी कौन से युग में तो द्विवेदी युग में हुई थी ठीक है गुनाहों का देवता कृति के रचनाकार कौन है धर्मवीर भारती ठीक है अगला देखेंगे प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है तो प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है ठीक है यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और साकेत कृति के रचनाकार हैं तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं ठीक है मैथिली शरण गुप्त हैं यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है ठीक है कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है तो बीसलदेव रासो जो है आदिकाल का है क्योंकि पद्मावत और सूर्यसागर ये सब काल के हैं ठीक है थीचे? इसलिए बीसलदेव रासो आदिकाल का ग्रंथ है अगला देखिए रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं तो केशव दास जो हैं रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं और फिर देखिए तीसरा जो है तीसरा प्रश्न क्या होता है गद्यांश और पद्यांश पर आधारित होते हैं तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अवतरणों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए ठीक है ये आप यहाँ से यहाँ तक गद्यांश पढ़ेंगे ठीक है यहाँ है उसके बाद आपको पांच क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं ठीक है यहां देख सकते हैं पांच क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके आंसर आपको देने हैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको दो नंबर मिलेंगे, है, सभी के लिए आपको दो नंबर मिलेंगे ये आपको हर एक जो भी गद्यांश दिया जाएगा ये आप समझ लो कि जो उसमें ब्लैक अक्षर में या तो लिखा रहेगा उसको समझ लीजिए कि रेखांकित अंश है और या फिर रेखा खींची गई होगी नीचे में ठीक है उसको रेखांकित उतने का ही आपको व्याख्या करना है ठीक है तो दो नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे और एक दो नंबर आपको प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से, माध्य। से लेखक ने क्या बताया है ठीक है उद्देश्य भी पूछा जा सकता है अगला जो है पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है तो पृथ्वी के रत्नों को गद्यांश पढ़ेंगे तो पृथ्वी के रत्नों को जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र का संबंध रखता है वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है ठीक है और उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए संदर्भ यानी लेखक का नाम और पाठ का नाम दोनों लिखना है ठीक है दो क्वेश्चन ये और ये कंपलसरी है आएगा ही आएगा अगला वो कुछ भी पूछ सकता है उसके ऊपर रहता है ठीक है अगला जो है अधिकार और अनुराग शब्दों में उपसर्ग छांट कर लिखे उपसर्ग प्रत्यय और अलंकार कुछ भी पूछा जा सकता है ठीक है उपसर्ग आपसे पूछा गया है इसके लिए आपको दो नंबर मिलेंगे अगर आपने एक किया मान लीजिए आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो एक नंबर कहीं नहीं गया है ठीक है आधी देखिए एक में है और एक में अनु है ठीक है एक में आधी एक में अनु ठीक है दोनों उपसर्ग आप लिख सकते हैं अगला जो है देखिए अथवा करके दिया है अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो नीचे वाला करेंगे लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो मॉडल पेपर बना हुआ है ये जो है पिछला पेपर है ठीक है पिछला पेपर है तो इसलिए इसमें जो सिलेबस में आपके नहीं है वह दिया हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं एक हमारा हो चुका है ठीक है ये सिलेबस में नहीं है और यह जो गद्यांश है यह गद्यांश आपका राष्ट्र का स्वरूप से है ठीक है राष्ट्र का स्वरूप से है और मैं आपको बता दूँ इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं वासुदेव शरण अग्रवाल हैं ठीक है ध्यान रखिएगा चौथा जो, जो क्वेश्चन है वह आपका पवन दूतिका से है ठीक है पवन दूतिका से लिया गया है आपको यहाँ पर दो दो नंबर यहाँ पर भी पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो दो नंबर सभी के लिए होंगे यहाँ पर देखिए लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए तो यह जो है पवन दूतिका से लिया गया है चौथा जो है पवन दूतिका से लिया गया है और इसके लिए भी आपको दो दो नंबर पांच क्वेश्चन दिए जाएंगे और दो दो नंबर सभी के लिए मिलेंगे ठीक है यहाँ पर इसका अर्थ जान लीजिए आप लोग लज्जा पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए होने देना न विकृत वसना तो न सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित व गोंदले श्रांतिक होना तो देखिए लज्जा पथिक महिला यानी कि कोई राधा जो है कह रही हैं पवन दूतिका से कि कहीं पर अगर आपको लज्जाशील यानी लज्जा, सीला, यानि लज्जा सील महिला आपको दिखाई दे रास्ते में तो उसके वस्त्रों को न उड़ाना उस सुंदरी के और अगर वह थोड़ी सी थकी हुई लगे तो उसके पास जाकर उसे स्पर्श कर कर उसके जो है होठों को छू कर ठीक है उसकी थकान को मिटा देना और उसके बाद कहती हैं कि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखाई दे अगर कोई थकी हुई महिला परिश्रमी महिला खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके क्लांतियों को यानी कि उसकी थकावट को मिटा देना जाता कोई जलद यदि हो बेम व्योम में तो उसे छाया द्वारा सुखित करना अगर बादल जो है आकाश में जा रहा हो तो उसको जो है छांव करके उस बादल से छाँव करके उस भूतांगना की उस स्त्री की थकान को मिटा देना ठीक है अगला ये यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है तो उपर्युक्त पद्यांश की व्याख्या कीजिए तो आपको सारे के सारे ठीक है इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए नहीं कहा गया है उपर्युक्त पद्यांश की यानी कि पूरे पद्यांश की आपको व्याख्या करना है ठीक है तो ये आपको दो नंबर दिलाएगा नायिका पवन से लज्जाशील महिला के प्रति कैसा आचरण करने के लिए कहती है ये आपको दो नंबर दिलाएगा जैसा वो कहती है देखिए कि कहीं अगर कोई थकी हुई महिला दिखाई दे तो उससे जो है अपने पास बैठा कर उसकी थकान को मिटा देना और नायिका पवन से किस प्रकार किसक महिला की सहायता करने के लिए कहती है तो उसको भी आप लिखेंगे रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए तो रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए और मान लीजिए रेखांकित नहीं है तो ये जो ब्लैक में है इसी का आपको व्याख्या करना है ठीक है ध्यान दीजिएगा अगला देखिए जलद व व्योम शब्दों के दो दो पर्याय वाची लिखिए जलद का बादल होता है ठीक है तो आप इसका और इसका व्योम का आकाश होता है तो नव अंबर ठीक है और जलद का बादल और पयोद ठीक है लिख सकते हैं अब देखिए मैं कब कहता हूं कि मैं अगला है ये अथवा करके है अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो ये वाला कर दीजिए अगर आता है ठीक है दो ऑप्शन रहते हैं जो आपको आता रहेगा उसी को करेंगे मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन का फूल बने इसको देखिए यह आपका हीरा सच्चिदानंद हीरानंद वासायन के द्वारा लिखा गया है ठीक है सच्चिदानंद हीरानंद वासायन के द्वारा लिखा गया है और और मैंने आहूति बनकर देखा से लिया गया है ठीक है मैंने आहूति बनकर देखा से लिया गया है ठीक है आगे का देखिए इसमें भी पांच क्वेश्चन हैं आप देखकर करिएगा ठीक है पांच क्वेश्चन है पांचों को आपको हल करना है आपको पद पद्द, जो पद्यांश है उसी को पढ़ के ठीक है व्याख्या समझ लिए हैं अगर इसीलिए अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सेव है ठीक है और जो नहीं पढ़ाई गई है उसको पढ़ा रही हूँ लगातार वीडियो सेव कर रही हूँ तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े उसको जाकर पढ़ेंगे क्योंकि व्याख्या समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ठीक है तभी आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे नहीं तो नहीं दे पाएंगे ठीक है पांचवा क्वेश्चन जो है जीवन परिचय का होता है पांच नंबर आपको जीवन परिचय के लिए मिलेंगे ठीक है दो जीव काव्य से होते हैं और गद्य से होते हैं दोनों के लिए पांच पांच नंबर मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है साहित्यिक निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए आप साहित्यिक परिचय देंगे उसके लिए आपको तीन नंबर दिए जाएंगे ठीक है और आप कृतियों पर प्रकाश डालेंगे उसके लिए दो नंबर दिए जाएंगे अगर आपने सिर्फ साहित्यिक परिचय दिया तो तीन नंबर मिलेंगे ठीक है अगर आपने कृति भी लिखा तो दो नंबर और मिलेंगे यानी पाँच नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे और ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है बहुत से लोग होते हैं जीवन परिचय लिखने लगते हैं तो दो तीन पेज भर डालते हैं कि हाँ इतना करना है जीवन परिचय तो ऐसा नहीं करना सिर्फ अस्सी शब्द यहां पर देखिए क्लियर बोल दिया है अस्सी शब्दों में आपको जीवन परिचय बता देना है और इंटर वालों के लिए साहित्यिक परिचय देना होता है तो साहित्यिक परिचय में भैया आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है ठीक है जीवन परिचय थोड़ा सा उनका जन्म बता दीजिए कि वो कब पैदा हुए थे ठीक है उसके बाद ना ही उनके माता का नाम बताना है ना ही पिता का नाम बताना है ना ही कुछ और बताना है ठीक है उसके बाद सीधे चले आइए उनके साहित्यिक परिचय में उन्होंने अपने साहित्य में क्या क्या किया कैसे उन्होंने साहित्य में प्रवेश किया और कैसे उनकी एंडिंग हुई ठीक है आपको ये बताना है और ध्यान दीजिए ये आपको ये जीवन परिचय सिलेबस में आपके नहीं है सिर्फ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है सिलेबस में हैं और आपके जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको पढ़ना है ठीक है ध्यान दीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का पढ़ना है लेना है और एक दो जो पाठ है आपका उससे पढ़ लेना है ठीक है आपके ये सिलेबस में नहीं है ठीक है और पद्य में देखिए निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देखते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए वही अस्सी शब्द में इसको भी करना है ठीक है यहाँ पर आपको महादेवी वर्मा का पढ़ लेना है ठीक है अयोध्या सिंह उपाध्याय का पढ़ लेना है ठीक है जयशंकर प्रसाद का भी इस ये आपके तीनों जो है सिलेबस में है ठीक है श्रद्धा मनु को लिखे हैं जयशंकर प्रसाद ने महादेवी वर्मा ने गीत लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पवन दूतिका लिखा हुआ है तो तीनों जीवन परिचय इंपॉर्टेंट हैं आप याद कर लीजिए ताकि पांच नंबर जो है यहाँ से आपके फिक्स हो जाएं अगला जो है कहानी देखिए कहानी के तत्वों के आधार पर ध्रुव यात्रा कहानी की समीक्षा कीजिए तीन कहानियाँ आपके सिलेबस में हैं ठीक है एक तो हो गया ध्रुव यात्रा पंचलाइट ठीक है और एक बहादुर है उसको भी आपको पढ़ लेना है ठीक है ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है साहित्यिक हिंदी का भी मैं पेपर लाऊंगी सभी लोगों को टेन इयर्स के पेपर दिए जाएंगे टेन इयर्स प्रीवियस ईयर पेपर और पांच मॉडल पेपर आपको दिए प्रोवाइड कराए जाएंगे यदि आपने ये सब सॉल्व कर लिया ठीक है आपको ये मैं सिर्फ ऐसे ही टेम्परेरी बता रही हूँ ठीक है आपको व्याख्या करना है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपने कर लिया तो समझिए आप इस बार नाइन्टी फाइव क्रॉस करने वाले हो ठीक है सातवां जो क्वेश्चन है इसको देखिए रश्मि रथी खंड काव्य आपको करना है ठीक है खंड काव्य से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप अपने जिला के अनुसार खंड काव्य करिएगा ठीक है पूरा खंड काव्य आपको नहीं पढ़ना है जो बच्चा जिस जिला में होगा उस हिसाब से खंड काव्य करना है अगर आपको नहीं पता है कि कौन से जिले वालों को कौन सा काव्य करना है तो मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया है ठीक है मैंने सिलेबस का वीडियो बनाया उसमें मैंने दिया हुआ है कि कौन से ज़िले के बच्चों के लिए कौन सा खंड भी इम्पोर्टेंट है ठीक है तो आप उसको जाकर देखिए फिर खंड भी पढ़िएगा ठीक है क्योंकि सभी खंड भी आपको पढ़ने नहीं है सिर्फ़ एक खंड पढ़ना है जिससे कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं अवा प्रश्न यहाँ पर देखिए निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए ठीक है तो अनुवाद कीजिए तो अनुवाद जो है संस्कृत से आपका आता है जो संस्कृत दिग्दर्शिका होती है उससे आता है जिसके लिए आपको यहाँ पर संदर्भ के लिए आपको दो नंबर मिलेंगे ठीक है संदर्भ के लिए दो नंबर दिए जाएंगे और आपका अनुवाद के लिए पाँच नंबर दिए जाएंगे ठीक है बहुत ही आसान है सभी नंबर्स को लेना ठीक है बहुत ही आसान है आप आराम से ले सकते हैं देखिए आपके ये सिलेबस में नहीं है क्योंकि यह भोजस्योदारियम से है ठीक है भोजस्योदारियम से है जो कि आपको नहीं पढ़ना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के महामना मालवीय से लिया गया है ठीक है महामना मालवीय से लिया गया है ठीक है और इसका जो है अनुवाद करना है चलिए बताते हैं आपको अनुवाद ठीक है अनुवाद कैसे करना है अनुवाद हेडिंग डालेंगे थोड़ा सा तो लिखेंगे कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकार आसित ठीक है तो महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे थी, ठीक है परमस्य सर्वोच्च गुण जन आशीष उनका जो है जन सेवा ही उनका सर्वोच्च गुण था यत्र कयम जनान जहाँ कहीं भी लोगों को ठीक है जहाँ कहीं भी लोगों को जहाँ कहीं भी लोगों को दुखितान दुखिता पीड़्यम पश्यत उपस्थित सर्वविधम महायज्ञ अकोत्णी प्राणी, प्राणीसेवा अस्वभाव एवीत अध्यास्माकं मध्ये उपस्थितो महामना मालवीय रूपेण प्रकाश वितरेन अंधे तमस निमग्नान जनान सन्म्मागदर्शयन आस्था स्थाने जने उपस्थित एव दुखितान जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे जहाँ कहीं भी लोगों को दुखित और पीड़ित देखते थे शीघ्र ही उपस्थित होकर सब प्रकार की सहायता करते थे और प्राण सेवा अस्व स्वभाव एव आसित प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था ठीक है अध्यास्माक मध्य अनुपस्थितों अपि महामना मालवीय तो इनका जो है महामना मालवीय अमूर्त रूप से अपने यश का प्रकाश बाँटते हुए गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान सन्मार्ग दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एवं स्थान सन्मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में उपस्थित हैं ठीक है तो इसका अनुवाद इस तरह से करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ से ये तो आपका गद्यांश से था ठीक है अब श्लोक दिया हो गया हुआ है जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है इसके लिए भी आपको वही नंबर दिए जाएंगे ठीक है तो ये देखिए भाषा मुख्या मधुरम दिव्या गिरवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्य तस्मादपि सुभाषितम ये आपका सुभाषित रतनानी से है ठीक है सुभाषित रत्नानी से है तो इसका आप व्याख्या करेंगे और उसके बाद देखिए ये है जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण जरा मृत्यु भयम नास्त ऐसा कीर्ति तनु क्वश्चित ये आपका जो है महामना मालवीय से है ठीक है महामना मालवीय से है ठीक आपने किया एक अभ्यास आपने पढ़ा हुआ है तो आपको यही करना है तो इसका जो है जयंत ते महाभागा जन सेवा परायण जन सेवा में परायण तत्पर वे जो है व्यक्ति महापुरुष जयशील होते हैं ठीक है जिसके यशरूपी शरीर को कहीं भी बुढ़ापे तथा मृत्यु का भय नहीं होता है जरा मृत्यु भयम नाश्त ऐसा ननु क्वश्चित यहाँ कहने का अर्थ यह है कि जो लोग अपना जीवन जन कल्याण के लिए लगाते हैं समर्पित कर देते हैं उनकी कीर्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है ठीक है निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी का अर्थ लिखते हुए में से किसी का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए ध्यान दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि लाइक से जो है हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों को पढ़ाने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है ठीक है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए सिर नीचा होना ठीक है क्या है सिर नीचा होना यानी शर्मिंदा होना ऐसे आपको लिखना है ठीक? आपको सिर्फ दो का लिखना है ठीक है सारे के नहीं लिखने हैं सिर नीचा क्योंकि यहाँ पर आपको दो नंबर मिल रहे हैं ठीक है सिर नीचा होना शर्मिंदा होना एक वाक्य का प्रयोग करना है यानी कि देश के प्रति कोई ऐसा काम मत करो कि आपका सिर नीचा हो जाए ठीक है हाथ मलना तो हाथ मलना का पछताना होता है ठीक है हाथ मलना का पछताना होता है और सिर नीचा होना का शर्मिंदा होना ठीक है हाथ मलना का पछताना तो इसका जो वाक्य प्रयोग करेंगे चुनाव में बुरी तरह हारने पर श्रीमती राजो देवी हाथ मलती रह गई ठीक है इस तरह से वाक्य का प्रयोग करना है निम्नलिखित शब्दों के विच्छेद सही विकल्प का चयन कीजिए ठीक है यहाँ देखिए देवालय का संधि विच्छेद होगा आपका देवधन आलय ठीक है देवधन आलय उपेंद्र का और यह आपकी दीर्घ संधि है ध्यान दीजिएगा दीर्घ संधि है जहाँ पर बड़ा होगा देवा वा आ गया जहाँ बड़ा आएगा वहाँ पर दीर्घ संधि होगी उपेंद्र का देखिए उपेंद्र का संधि विच्छेद उपधन इंद्र उपधन इंद्र और यह आपकी गुण संधि है ठीक है क्योंकि उप और ई जहाँ पर आएंगे वहाँ पर गुण संधि हो जाएगी ठीक है अगला देखिए इत्यादि का इतिधन आदि ठीक है इतिधन आदि कहाँ है यहाँ है इतिधन आदि यह आपकी यण संधि हो जाएगी ठीक है जहाँ कहीं भी शब्द जो है आधे हो जाते हैं वहाँ पर यण संधि होती है ठीक है निम्नलिखित शब्दों में विभक्ति वचन का चयन कीजिए तो ये विभक्तियाँ जो हैं आपके सिलेबस में नहीं है ठीक है आपको आत्मन और नामन करना है ठीक है आत्मन और नामन यही दो आपको तैयार करना है ये दो तैयार कर लीजिए आपका काम हो जाएगा ठीक है दो नंबर वहाँ से फिक्स हो जाएंगे मैं आपको पढ़ा दूंगी आत्मन नामन भी अच्छे से करना बता दूंगी अगला देखिए यानी कि बारहवा क्वेश्चन देखिए शब्द युग्म ठीक यहाँ पर शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर आपको लिखना है चार दिए गए हैं आपको जो है आकार और आकर का ठीक है आकार और आकर का होगा आकार का होता है आकृति और आकर का खान ठीक है तो आपका यह ऑप्शन बिल्कुल सही होगा अग और अघ का होगा आपका अचल और पात ठीक है अग का अचल होता है अघ का पात होता है ठीक है अगला जो है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए ठीक है तो जिसका भी आपको आता रहेगा उसका लिखेंगे जैसे आप लिखेंगे अनल का ठीक है दहन पावक ठीक है ज्यादा नहीं लिखना है सिर्फ दो लिखना है क्योंकि यहाँ पर आपको दो नंबर मिल रहे हैं ठीक है तो दो ही लिखना है और देखिए संयम से कम इसका आपको क्या करना है एक शब्द चयन करके आपको लिखना है ठीक है एक शब्द लिखना है संयम से कम खर्च करने वाला तो देखिए अगर संयम से न खर्च करने वाला होता देखिए बहुत ही कम खर्च करने वाला होता तो वहाँ पर कंजूस होता लेकिन संयम से कम खर्च करने वाला यानी वह संयम से कम खर्च कर देता है ठीक है संयम से खर्च कर देता है तो यह मितव्य ही होगा ठीक है उपकार को मानने वाला यानी कि जो उपकार को मानता है वह कृतघ्न होता है ठीक है अगला निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए ठीक है शुद्ध करना भी बहुत आसान है एक बार बस आपको समझने की ज़रूरत है ठीक है सारी चीज़ें आपको यहाँ पर माजी क्लासेस पे आपको पढ़ाई जाएंगी तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए 2023 में 100 परसेंट गारंटी के साथ आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी है ठीक है कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं तो यहाँ पर तो आप साफ साफ देख सकते हैं कृष्ण और राधा नृत्य कर रही हैं ठीक है तो यहाँ पर कृष्ण और राधा नृत्य कर रहे हैं ठीक है ऐसे होगा दूसरा जो है तुलसीदास ने अनेकों ग्रंथ लिखे तो सीधी सी बात है तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं और उन्होंने मेरे समक्ष हाथ जोड़ा तो आप इस तरह से लगते लिख सकते हैं कि वह मेरे सामने हाथ जोड़े ठीक है अगला मैं पुस्तक पढ़ा हूँ मैंने पुस्तक पढ़ा है ठीक है इस तरह से लिखेंगे लेकिन हाँ यहाँ पर आपको दो करना है ठीक है ऊपर में पढ़ लीजिए जितना करना है उतना ही आपको करना है ज़्यादा करने से ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाएंगे ठीक है अगला देखिए श्रृंगार रस रस्वा हास्य रस की परिभाषा दीजिए तो आपके सिलेबस में मैंने आपको बार बार समझाया कि सिलेबस के अनुसार पढ़िएगा ठीक है आप सिलेबस में देख लेंगे कौन सा आपके सिलेबस में है उसको पढ़िएगा ठीक है तो इसकी परिभाषा एक का आपको परिभाषा और उदाहरण देना रहेगा हो सकता है कि अस्थाई भाव पूछ लेगा तो उदाहरण नहीं पूछेगा ठीक है और अलंकार भी आपको लिखना है उसके लिए भी आपको दो नंबर दिए जाएंगे एक परिभाषा के लिए और एक उदाहरण के लिए ठीक है सभी कुछ पढ़ाया गया है आपको अलंकार भी पढ़ाया गया है चो और यहाँ देखिए छंद छंद भी पढ़ाया गया है ठीक है आप पढ़ लीजिए जो चीज़ें नहीं पढ़ाई गई वो क्लासेस चल रही हैं ठीक है वीडियो आपको दी जा रही है स्थानीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए आपको इसके लिए भी बताया जाएगा कि कौन सा पत्र इम्पॉर्टेंट है कौन सा नहीं ठीक है ये सब आपको नहीं करना है क्योंकि ये सब सिलेबस में नहीं है निबंध भी लिखना होता है ठीक है लेकिन आपको बताया जाएगा कि कौन सा आपके सिलेबस में है फिर आप करिएगा ठीक है तो चलिए वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा कि क्या दिक्कत है आपको मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगला सेकेंड जो है मॉडल पेपर आपको जल्द ही प्रोवाइड करूँगी और प्रीवियस ईयर भी साथ साथ दे, दे दूँगी ठीक है सभी कुछ आपको दिया जाएगा धन्यवाद